गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग ये है कि मैं लारे भाई के घर पर हूँ और मैंने अपनी पप्पा को बोला कि मैं आपकी जो रूम्स में चीज़ें थोड़ी थोड़ी फैली हुई ना उनको डेकोरेट करके मतलब एक एक हिसाब से रखूँगी, क्योंकि ना मैं जो ना बड़ी चूजी पर्सन हूँ, मुझे ये चीज़ फैली हुई नहीं चाहिए होती। तो हम कल उनके रूम में फ्लावर्स और लाइक स्टिकर्स लगाएंगे, उनका ड्राइंग रूम सेट करेंगे, उनका जो ड्रेसिंग रूम है उसको सेट करेंगे। तो अभी जस्ट ये रहा ब्लैंकेट और ये रही मैं और हम जा रहे हैं सोने। तो हम मिलते हैं आपसे सुबह, तब तक के लिए बाय। तो गाइस आज हम अकेले हैं और हमने इस रूम को पूरा सेट करना है। मैंने ये ब्लैंकेट आधा मैं सही नहीं से नहीं बट ये कर लिया। अब हम फ़ोन अपना कहीं ना कहीं अटकाते हैं और आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये रूम समेट लिया, ठीक है अब हम लोग चल रहे थे, हमें मेन चीज़ करनी थी वहाँ पर। तो ये सारे स्टिकर्स हैं, इनको उठाते हैं और ना लेके चलते हैं। चलो तो उठाते हैं, चलो यार। तो गाइज ये वाली मतलब है, इसको डेकोरेट करना है, ठीक है। ये रहा सामान, सारा सामान आ गया। बस अब इस हिस्से को ना हमें डेकोरेट करना है, ठीक है। तो गाइज हमने ना ये वाली कर ली है, ठीक है। अब हमें ना इनको करना है। अब देखते हैं कहाँ पे करेंगे, यहाँ पर करेंगे, वहाँ पर करेंगे, बट ये सबसे ज़्यादा प्यारा बना है भाई। तो गाइस फाइनली हमने ना इस पूरी वॉल को डेकोरेट कर दिया, बट मेरा फेवरेट पार्ट है इस चीज को ऐसे करना, मतलब भाई अलग किस्म का मजा आता है। ये देखो, एक पिंक कलर का बच गया ना, इसको अगर हम इधर लगा लें या इसके पैरों के पास लगे। हाँ लगा सकते हैं ना इसको पिंक। तो गाइस हमने ये और एडिटिंग की है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं और ये मजीद प्यारा लग रहा है भाई। अभी और भी ये सामान था, ये हम नेक्स्ट संडे के लिए रखते हैं, ठीक है। तो हेलो गाइस वेलकम बैक, ठीक है। अब सीन ये है कि उस दिन मैं अकेली थी लारे, उस दिन मैं लारिफ के घर पर थी, ठीक है। मैंने आधी अपनी ना जो डेकोरेशन थी वो की, इसके बाद मैंने अपनी ब्लॉगिंग ऑफ कर दी थी। अब मैंने आज क्या है, आज गेस वेनसडे का डे है और मैंने फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। वो मंडे ट्यूसडे मेरा मूड नहीं था, मेरा मूड अच्छा खासा स्पॉइल हुआ हुआ था, तो मैंने ब्लॉगिंग का नहीं सोचा। बट आज सीन ऐसा है कि मेरे घर में जो छोटे पीस है ना मेरे घर के, उन्होंने अपना कुरान ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो उनके कुरान ख़त्म होने पर उनके स्कूल में ना लाइक गिफ्ट वगैरह जाने थे, तो हम उनके क्या हुडी बैग्स हैं ना आपके, वो हम लोग ना करेंगे, मेरी शादी नहीं हो रही, वो हम लोग करेंगे पैक। तो वो पैक करते हैं, मैं एक आउटफिट चेंज करके आती हूँ उसके बाद, और अब लोग बोलेंगे कि मैं आउटफिट पहन के क्यों बैठी हुई थी। तो मैं टिकटॉक की वीडियोज़ बना रही थी, ठीक है। अभी 3 दिन के बाद मुझे थोड़ा एहसास हुआ है कि मुझे वीडियोज़ बनानी है, तो मैं बना रही हूँ। और मजे की बात यह है कि हम इस बार Q&A Part 2 भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं भाई लोगों के TikTok से लेके Instagram तक। तो हम Q&A भी करेंगे इंशाल्लाह, और हम एक इंसान से भी मिलेंगे बहुत जल्दी। तो जिससे मिलेंगे हम बता देंगे किससे मिलना है, बट यार सस्पेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। और फिर आयुष्मान की बर्थडे भी आ रही है, तो लेट्स सी क्या करते हैं। देखो आयुष्मान की बर्थडे पर मेरा फेयरवेल भी आ रहा है। चुप। तो आयुष्मान की बर्थडे का तो सीन ये है कि आयुष्मान की बर्थडे और का व्लॉग अलग डिफरेंट हो जाएगा, बट जिस स्पेशल पर्सन से, मेरा स्पेशल पर्सन नहीं है बट हम मतलब फ्रेंड है वो मेरा, तो उससे मिलना है, तो उसका व्लॉग अलग होगा। तो
ये सस्पेंस, आगे देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग, मैं कपड़े चेंज करती हूँ और गुड्डी बैग्स पैक करते हैं और मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। रुकिए आप जरा, ये कुछ क्या हो रहा है ये? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। गाइस आपको पता है कि दुपट्टा इतना प्यारा लग रहा था। मैं ना अपनी शादी पैसे करूँ, वो यू ही करेगा, वो डायरेक्ट यू करेगा तेरी शक्ल देखकर। तो यही नहीं तो करेगा कौन? लॉगिन करी हुई है जो भी है। मैं भाई देखो, मैं नहीं करूंगी, जो होगा वो बाबुल की दुआएं लेती जा। तो गाइज हम लोग हो गए हैं रेडी, ठीक है, है ना, हम हो गए रेडी और मेरे कपड़े प्रेस हुए हुए थे तो मैंने बोला चलो इसी को उठाते जल्दी जल्दी और ना सामान उठाते और चलते। तो इसके ये आईडी कार्ड को हम करते हैं इग्नोर और हम ये सारा सामान उठा के चलते हैं दूसरे रूम। चलो लाइट बंद करो, चलो 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 भांडी, चलो 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 चलो, हाँ लाओ दो स्टेपलर लो। उफ, तो ये सामान और ये सामान आप मेरे साथ सेट करेंगे हैं? क्यों? आप मेरी, एक तो आपने हमारे ड्राइंग रूम को अपना बेडरूम बना दिया है, तुमने ड्राइंग रूम को बेडरूम बना दिया, बदतमीज, झूले वाला भी बना दिया, वहाँ पे झूला लगा दिया। व्हाट इज द हेल यू आर डूइंग? यू आर आपको याद है मैंने आपको पलंग सोफे से गिराया था लारे भाई के घर पे, याद है आपको? दूसरों का ना दो, मैं ब्लू वाला लूंगा। हैं हैं क्यों क्यों? तो गाइज ये सारा सामान हमने निकाल लिया, ठीक है, ये हमारी मदद करेंगे, हम ये सामान अभी जल्दी जल्दी पैक करते हैं। चलो तो गाइज हम पैकिंग स्टार्ट करते हैं, चलो जल्दी जल्दी मुझे जल्दी दाल डाल के दो। तो गाइज हमने ये सब बना लिए, ठीक है, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। गाइज हमने गुडी बैग्स पैक कर लिए और ये बच्चों के गुडी बैग्स चोरी करते हुए, अस्तगफिरुल्लाह, ता छीनो इससे, देनी है उसको स्कूल में, दे दे वापस, चोर रख दे वापस, रख दो। गाइज अब हम इनको स्टेपलर करते हैं जल्दी जल्दी से, सही है, चेक करते हैं कि सब में सब कुछ बराबर है और बस ये व्लॉग छोटा ही है। गाइज ये मैं बच्चों में से इसको निकाल के स्लाइम दे रही हूँ, क्यों क्यों दे रही हूँ? क्योंकि ये बच्ची है ना, नन्नी कक्की है ना, देते ना दे ले ना दे मम्मा दे 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 यार निकल दे 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 जाओ मम्मा से लेकर आओ, मम्मा ने दी यही वाली, नहीं ये मेरी है तो मम्मी ले, ओके अस्तगफिरुल्लाह ग्रीन ले रहा हूं, ब्लू में ले रही थी तो क्या हो रहा था? इसलिए कहते हैं घर के जो सबसे बड़े बच्चे होते हैं ना वो मैच्योर इनफ होते हैं, जो कि मैं हूँ, मतलब मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जितनी इन लोगों के ऊपर नहीं है। बच्ची हो क्या? नहीं नहीं ता बोलो, छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या?
चलो मुझे काम करने दो दोनों। तो गाइज हम इसको करते हैं स्टेपलर, ठीक है, ताकि ये जो बच्चे हैं ना इसको ख़राब ना कर सके। तो हम पोपट कर दिया स्टेपलर ने तो मेरा। हैं स्टेपलर की पिन दो ना दा। गाइज मैंने भी ये ले ली, मैं भी खाऊंगी। मैं बचपन में खाती थी, मैं हसन हम लोग ना बचपन में ही खाया करते थे। शुक्रिया भी नहीं बोला। अबे इधर आ, तुम्हें तो मैं शुक्रिया बोलूं। इधर आ, शुक्रिया था। हाँ शुक्रिया। पोपट ना हो जाए, चेक कर लो। ओ सही है, चलो चलो। घर लॉक किए? बाय बाय, ये जा रही है अपने काम पे। अल्लाह हाफिज़। दफा हो जाएं आप, मेहरबानी करके चली जाएं। आप बच्ची हो ना, अपनी स्लाइम का ख्याल रखो। ओह ने हमको बबल दी थी ना, ओ बबल दी थी, बंटी दी थी ना, बंटी खाते हैं, खुली नहीं रही। मैं और हसन खाते थे बचपन में, ये पापा लाकर देते थे। मेरे दांत में दर्द हो रहा है। गाइस तो आज बहुत टाइम बाद मैंने अपनी कॉपीज निकाली, मतलब अपना वो वाला बैग खाली किया, तो मुझे देखें क्या क्या मिला। ये मुझे मेरी 8th क्लास की कुछ मेमोरीज मिली, ठीक है। और ये तो खैर मेरी एक दोस्त थी जो कि स्कूल से चली गई है, उसने ये बनाया था, उसका ये मिला। और ये सहरबाजी का ये मिला जो सहरबाजी के साथ बनाया था शॉप शॉप में। मुझे डिक्शनरी भी मिली, ठीक है। मुझे मेरे क्वायर्स के पेपर्स भी मिले, मतलब मुझे बहुत चीज़ें मिली है। और मुझे मेरी कॉपी मिली जिस पे मैंने दिल लगाया था, क्योंकि मेरे पास दिल नहीं है और मैंने इसमें काम भी नहीं किया हुआ, थोड़ा सा ही किया हुआ है, देख सकते हैं आप। गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपके भाई छोटे हों और आप उनसे बड़े हो ना, तो उनका सारा काम आप लोगों को करना पड़ता है जब वो स्कूल नहीं जाते। जैसे कि अभी मैं अपने भाई का काम करूँगी इतना, क्योंकि वो स्कूल नहीं गया है और सारा काम मुझे कम्प्लीट करना है। ये सारी कॉपीज़ पड़ी हुई हैं और ये उसकी कॉपीज़ पड़ी और मुझे सारा कम्प्लीट करना है। ज़िंदगी में इंसान सब करे मगर कभी बड़ी बहन ना बने, बिल्कुल ना बने, नेवर एवर। तो गाइस सीन ऐसा है, मैं आज फिर लारे भाई के घर पे आ गई हूँ दोबारा से। अब आवाम बोली कि आप अपने घर पे क्यों नहीं रहती है, देखो
मेरा दिल चाहता है मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, जब दिल चाहता है तब आ जाती हूँ, ठीक है। अब सीन ऐसा है कि अभी हमें ये पता चला है कि हमने जो ऑर्डर की हुई थी चीज़ है वो आ चुकी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने यहाँ से और यहाँ से सोफ़े हटवा दिए हैं, हमने ये दो चीज़ें ऑर्डर की थी, ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। और अभी इस टाइम कुछ ऐसा हो रहा है रूम जिसको हमने दोबारा से सही सेट करना है। अभी दो चार चीज़ें और आ जाएंगी, तो फिर जब इस रूम को सेट कर रही होंगी ना तब भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ क्लिप्स दिखा रही हूँ कि ये काम चल रहा है घर के अंदर। और हमने माशाल्लाह से एक और चीज़ मंगाई थी, मैं दिखाती हूँ। हमने ये कारपेट मंगाया है और ये डाइनिंग टेबल मंगाया है। अब हम ना ये वाला जो झूला है ना इसको भी हटा कर यहाँ फ़ैन लगाएंगे, मतलब अभी बहुत सी चीज़ें हमने करनी है घर में। तो देखें हम क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं करते हैं। रमज़ान से या ईद से पहले पहले हमने अपने अपने दोनों घर, मतलब हम मेरे वाले साइड का मेरा घर, यहाँ वाले साइड का यहाँ का घर, दोनों के दोनों सही करने हैं। अब बात यह है कि मेरी आवाम के मुझसे सवाल जवाब है कि आप वहाँ वाले घर में भी रहती हो, वहाँ पे भी चीज़ें सेट करती हो, यहाँ पे भी। तो मैं जो हूँ ना वो अपने पप्पुओं की, मतलब बहुत सारी पप्पू हैं, बट बहुत सारी नहीं, मतलब छः पप्पू हैं, उनमें से काफ़ी तीन की मैं लाडली हूँ, बाकी का हम कुछ कह नहीं सकते। तो जो बराबर वाली पप्पू हैं उनके घर में भी मैं दो चार चीज़ ऐसी होती है जो मैं सेट कर देती हूँ। उनके बेटे के साथ हम गेम्स खेलते सब कुछ करते हैं। अपने घर में अपने रूम को, मम्मा के रूम को, भाई के रूम को, सबको मैं देखती हूँ। और यहाँ पे हम लाली के रूम को, उनकी मम्मी के रूम को, उनके ये ड्राइंग रूम को, सब कुछ सेट करने वाली मैं हूँ। तो अब इसी के साथ हम इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। तो गाइज इस ब्लॉग को करें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर ये छोटा वीडियो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आजकल ना ज़रा दिल नहीं चाह रहा ना ब्लॉग बनाने का ना कुछ, क्योंकि बस नहीं चाह रहा। तो हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ आगे आए, ट्राई करेंगे। तो अब तब तक के लिए बाय बाय।